हेलो एवरीवन, ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविंद। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंशेंट हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे हर एक एग्ज़ाम्स में 2 से 4 नंबर के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो चलिए गाइस, हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। तो चलिए, इंडस वैली की मैप में आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है और जो पाकिस्तान का पार्ट है, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं पे फैला हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे कि नाम इसका सजेस्ट करता है, ये इंडस रिवर के किनारे का पूरा सिविलाइजेशन है, जिसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी, इंडस रिवर, ये जहाँ जहाँ से गुजरती है उसके ईस्ट और वेस्ट पार्ट में ये पूरा सिविलाइजेशन फैला हुआ है। आप मैप में देख सकते हैं कि हमारी जो इंडस रिवर है, जो इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर से इंटर करती है, चाइना से मानसरोवर लेक से आती है और इंडिया में इंटर करती है, फिर ये सीधा पाकिस्तान में चली जाती है, फिर ये घूम के अरबियन सी में गिर जाती है। हमारे इंडिया की वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्ट में फ्लो करती है, अरबियन सी की तरफ फ्लो करती है। सो आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो हमारा इंडस रिवर है, उसमें जो मेन साइट्स हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारी की सारी साइट्स यहाँ पे दिख रही होंगी आपको। सो आप देख सकते हैं कि जो धोलावीरा है, ये हमारे गुजरात में है, जो हमारा लोथल है वो गुजरात में है, जो हमारा सुरकोतड़ा है वो भी गुजरात में है। सो ये सारी साइड्स आप इस मैप में देख सकते हैं, ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है और पाकिस्तान का जो पार्ट है, जो सिंध का प्रोविंस है, जो पंजाब का प्रोविंस है, उसी एरिया में ये पूरा एरिया फैला हुआ है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बेगिंस विद द बर्थ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारे भारत के जो इतिहास है उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से ही शुरू मानते हैं। जो भी हमारे भारत की सभ्यता है उसको समझने के लिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को समझते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो कहीं ना कहीं इंडस वैली से रिलेटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इंडस वैली की पहली साइट हड़प्पन साइट ही खोजी गई थी। सो इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और इसको ब्रोंज एज कहते हैं, क्योंकि इस वक्त तक सारे जो चीज़ें बनती थीं, सारे जो ऑर्नामेंट्स, सारी जो मूर्तियां या कुछ भी उस वक्त जो भी मैन्युफैक्चर करते थे लोग, वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रोंज का बनता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई फेजेस हैं, अर्ली फेजेस, मैच्योर फेज और लास्ट फेज। 3300 BC से 1300 BC तक हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन चलती रही है, और इसका जो मैच्योर फेज आया, जिसमें इसका सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ है, सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, वो है 2600 BC से 1900 BC तक। इसको बोलते हैं मैच्योर एज। इसी एज में सारी की सारी जितनी भी साइट्स हैं इंडस वैली की, ये सारी एग्जिस्ट करती थी। कोई भी साइट इस वक्त तक ख़त्म नहीं हुई थी, और इस वक्त ही ट्रेड का, लोगों का, इनके टूल्स का, आर्ट एंड कल्चर का, स्क्रिप्ट का, सारी चीज़ों का विकास सबसे ज़्यादा इसी समय में हुआ था। 1920 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए, तो पूरे दुनिया में ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी कि कोई ऐसी सभ्यता मिली है
जिसमें इंसान सारे सुख और सुविधाओं के साथ रह रहे थे और जिसके बारे में अभी तक लोगों को कुछ भी पता नहीं था। लोग सोचते थे कि ह्यूमंस का जो विकास है वो बहुत लेट में हुआ है, बल्कि ये सिविलाइजेशन मिलने के बाद लोगों को पता चला कि लोग पहले भी बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे, उनको सारी टेक्नोलॉजीज पता थी, उनको सारे मेज़र्स पता थे, उनको ट्रेड पता था, वो एनिमल्स के साथ रहते थे, वो एग्रीकल्चर करते थे, वो आर्ट बनाते थे, वो लैंग्वेज लिखते थे, पढ़ते थे, सारी चीज़ें करते थे। पूरी वेल डेवलप्ड सोसाइटी जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिली थी। और 1924 में जॉन मार्शल, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे उस वक्त, उन्होंने पूरे विश्व में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि एक ऐसी सभ्यता मिली है जो बहुत ही पुरानी है और जो बहुत ही विकसित है। सो सबसे पहली साइट हड़प्पा साइट को खोजा गया था। 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन को निकाल लिया गया था। पाकिस्तान के पंजाब में ये सिविलाइजेशन है और यहाँ पे जो जो चीज़ें मिली वो पूरे दुनिया के लिए आश्चर्य करने वाली थी। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन हुआ तो जो सबसे आश्चर्य करने वाली चीज़ थी वो थी इनकी टाउन प्लानिंग। इन्होंने अपने शहर को ऐसे बसाया था जिसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। ये सारे शहर रिवर्स के किनारे थे, ये सारे शहर ऐसे बने थे कि हर एक घर में हर चीज़ की सुविधा थी, जैसे कि किचन था, हड़प्पा में किचन था, बाथरूम था लोगों के घर में, वहाँ पे वाटर सप्लाई पाइप्स के थ्रू आती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो सारी चीज़ें, सारे ऑर्नामेंट्स, सारे अच्छी अच्छी जो ड्रेसेस हैं वो सारी चीज़ें वो लोग पहनते थे बहुत ही पहले। बल्कि अभी तक क्या बिलीव था कि पहले लोग सिर्फ लीव्स पहना करते थे, सिर्फ पत्ते पहनते थे, बट हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो क्लोथ्स मिले हैं, जो कॉटन के क्लोथ्स मिले, उससे पता चला कि इंसान बहुत पहले से ही क्लोथ पहनता है। सो टाउन प्लानिंग के मामले में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन गजब की सिविलाइजेशन थी। तो समझते हैं इसकी टाउन प्लानिंग को। जितनी भी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हर एक जगह इसके दो पार्ट बने हैं, हर एक सिटी के, एक्सेप्ट द चानू डारो साइट, वहाँ पे सिर्फ लोअर पार्ट ही है और बाकी जितने शहर हैं वहाँ पे अपर पार्ट जिसको सिटाडल बोलते हैं और लोअर पार्ट दोनों मौजूद हैं। अपर पार्ट में हिस्टोरियंस का मानना है कि हमारी हायर क्लासेस या तो मर्चेंट्स, जो हायर मर्चेंट्स है, या फिर प्रीस्ट, एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है, जो अपर पार्ट है हिस्टोरियंस का मानना है कि वहाँ पे कोई विशेष लोग ही रहते थे। वहाँ पे वही लोग रहते थे जो आम लोगों से अपने आप को ऊंचा मानते हों या ऊंचे हों, वही लोग सिटाडल में रहते थे और बाकी जितने भी आम लोग हैं वो नीचे रहते थे, जो शहर का निचला भाग था। सो इसीलिए जितने भी हमारे ये पूरे शहर हैं इसमें जो सिटाडल है, इसके वजह से ये भी माना जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई रूल ज़रूर किसी का था। मे बी वो प्रीस्ट का था, कोई पुजारी रूल करता हो, मे बी वो मर्चेंट्स रूल करते हों उस पूरे शहर को, या फिर कोई किंग रूल करता हो। एग्जैक्टली क्या है अभी तक पता नहीं चला है, बट ये सारी चीज़ें होने के कारण ऐसा माना जाता है कि जो सोसाइटी है वो दो भाग में डिवाइडेड ज़रूर थी, एक अपर पार्ट था और एक लोअर पार्ट ऑफ द सोसाइटी था। जो सिटाडल के नीचे का पार्ट है,
जिसमें कॉमन लोग रहते थे, वो भी सारा का सारा पार्ट वेल इक्विप्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड, पूरे अच्छे ब्रिक्स से बने हुए हाउसेस, बहुत ही स्ट्रांग ब्रिक्स से बने हुए हाउसेस, जिसमें सारी चीज़ें हैं, किचन है, बाथरूम है, ड्रेनेज की फैसिलिटी है, सैनिटाइजेशन है, पूरा सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। सो जो कॉमन पीपल हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे रह रहे थे। और जो सिटाडल का पार्ट है उसमें भी ऐसी ही चीज़ें हैं, अच्छे घर और अच्छी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। सो जो लोअर पार्ट है वो भी वेल इक्विप्ड है और जो अपर पार्ट है वो भी वेल इक्विप्ड है। जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके टाउन प्लानिंग की, वो है ग्रेनरीज। ग्रेनरीज क्या होती है? जहाँ पे ये लोग अपने सारे फूड ग्रेन्स को स्टोर करते थे, जहाँ पे ये अपने सारे चीज़ों को स्टोर करते थे ताकि ज़रूरत के वक्त इनके अनाज ख़राब ना हो, जैसे आज के समय में वेयर हाउसेस या गोडाउन में किया जाता है, वैसे ही सेम तरीके से बहुत साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कर रहे थे। सो ये जो सिविलाइजेशन के लोगों को ये भी पता था कि हमको अपनी चीज़ों को संभाल के रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये जितने भी ग्रेनरीज हैं ये सारी की सारी वाटरप्रूफ हैं, इसमें चारकोल की लेयर लगी हुई है जिससे इसमें पानी इंटर नहीं करता है। इट मीन्स ये शो करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को साइंटिफिक नॉलेज थी केमिकल्स के बारे में, जिससे वो जानते थे कि किसी भी स्ट्रक्चर को वाटरप्रूफ बनाने के लिए उसमें चारकोल ऐड किया जाएगा तो वो वाटरप्रूफ बनता है। सो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रीनरीज इन्होंने बहुत ही अच्छे से बनाई थी। इंडस वैली का जो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाउन प्लानिंग का, वो है उनका ड्रेनेज सिस्टम। इनके सारे शहर में बहुत ही अच्छे तरीके से नालियाँ बनी हुई हैं जिससे इनका सारा पानी शहर से बाहर निकल सकता है, और रिवर से जो भी पानी इनको शहर में चाहिए वो प्रॉपर चैनल से ड्रेनेज के वो पूरे शहर में जाता था। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ जो था वो डायरेक्ट पानी स्टोर करता था, वहाँ पे लोग नहाते थे रिलीजियस पर्पस के लिए, और वो सारा का सारा पानी दोबारा से शहर से बाहर निकल जाता था, और वो रेगुलर ऐसा होता था और उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती थी ड्रेनेज से रिलेटेड। वो रिवर का पानी अपने शहर में ले के आते थे, ये शो करता है कि उनको प्रॉपर्ली पता था कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम कितना स्ट्रांग होना चाहिए कि यहाँ पे फ्लड्स नहीं आएंगे, यहाँ का वाटर लेवल जल्दी नहीं बढ़ेगा। सो ड्रेनेज सिस्टम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आज भी हमारे इंडियन सिटीज़ में ड्रेनेज की बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देख सकते हैं कि ये लोग ड्रेनेज सिस्टम में कितने ज़बरदस्त के थे। इनके सारे शहरों में ड्रेनेज सिस्टम था, बट हमारी जो कालीबंगा की साइट है उसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सबके घरों में खुद का कुआं है, लगभग 700 कुएं कालीबंगा में मिले हैं। सो कालीबंगन जो है यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, यहाँ लोगों के घरों में ही पानी है, ये ग्राउंड वाटर पे टिका हुआ था कालीबंगा, बल्कि जो दूसरे शहर हैं इंडस वैली के वो रिवर वाटर पे टिके थे। सो कालीबंगा के बारे में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, यहाँ पे लोग ग्राउंड वाटर पे ज़्यादा रिलाई करते थे अपनी लिविंग के लिए और ये उसी पे रहते थे। अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, सो उनको एक एक करके हम यहाँ पे समझते हैं। जो सबसे पहली साइट है वो है मोहनजोदड़ो, और ये पूरे दुनिया में सबसे लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मिली हैं वो हैं ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या है? यहाँ पे लोग रिलीजियस पर्पस के लिए नहाते थे। ये जो भी बात यहाँ पे लेते थे
वो सीधा का सीधा इंडस रिवर से पानी आता था और उसमें ये लोग बाथिंग करते थे। ये जस्ट लाइक अ स्विमिंग पूल है, एक बहुत ही वेल इक्विप्ड स्विमिंग पूल है ये। हमारा एक इसी तरह का जो ग्रेट बाथ है, जो हमारा रोमन बाथ है, वो भी बहुत फेमस है। सो जो रोमन बाथ है, रोमन सिविलाइजेशन में बना हुआ, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत बाद बना है और वो फेमस है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से पूरे सिटी को रिवर के बीच में बसाना, उसमें वाटर की प्रॉपर सप्लाई करना ताकि उनका शहर सालों साल तक टिका रहे, कई साल तक टिका रहे, ऐसा वेल इक्विप्ड स्ट्रक्चर बनाना, ये बहुत ही गजब की आर्किटेक्चर को शो करता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको हमेशा देखने को मिलेगी। हर एक साइट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे और समझेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कितने ज़बरदस्त थे। तो जो ग्रेट बात है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मोहनजोदड़ो का, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आ सकता है। अगली जो पॉइंट इसमें है, डांसिंग गर्ल। ये जो डांसिंग गर्ल है मोहनजोदड़ो के एक्सकेवेशन में मिली है। जो हमारा बियर्डेड मैन है, ये भी मोहनजोदड़ो के एक्सकेवेशन में मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बियर्डेड मैन है। इस मैन के बियर्ड हैं, ये मे बी क्या है, ये कोई किंग है, प्रिस्ट है, ये एग्जैक्टली अभी तक पता नहीं है। बट ये जो भी है, ये पर्सन मोहनजोदड़ो का बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन रहा होगा। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एक्सकेवेशन में मिली है, वो है हमारे पशुपति महादेव की सील। पशुपति महादेव की सील जो है वो मोहनजोदड़ो में मिली है। आप देख सकते हैं सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे, सारे पिक्चर जो हैं जो भी एक्सकेवेशन से मिले हैं, रियल एंड ऑथेंटिक पिक्चर्स यहाँ पे मैंने आपको शो किए हैं। सो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और मोहनजोदड़ो जो है ये पंजाब पाकिस्तान में है और इसका एक्सकेवेशन 1922 में आरडी बनर्जी ने किया था। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि आरडी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन किया था। ये जितने भी लोग हैं, मैं जितने भी आपको लोग बताऊंगा जिन्होंने मोहनजोदड़ो की साइट्स खोली, ये सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही मेंबर्स थे। ये सारे के सारे लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तरफ से ही, जब 1920 में पता चला, ये लोग लगे थे और अलग अलग साइट्स को इन्होंने खोज के निकाला है। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी ये बहुत ही बड़ा काम है जो पूरे दुनिया के लिए बहुत ही चीज़ें सिखलाने के लिए ज़रूरी था। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसमें सबसे जो पहली साइट थी मोहनजोदड़ो, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी साइट है। यहाँ पे डांसिंग गर्ल मिला है, पशुपति महादेव की सील मिली है, बियर्डेड मैन मिला है और आरडी बनर्जी ने इसको एक्सकेवेट किया था 1922 में। अगर बात करें मोहनजोदड़ो के कुछ और फैक्ट्स की, तो यहाँ पे लोग लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे। यहाँ के लोगों ने सबसे पहले कॉटन की खेती की है और यहाँ के लोगों का जो सबसे ज़्यादा ट्रेड था वो मेसोपोटामिया के साथ था। कॉपर और स्टोन के जो टूल्स हैं यहाँ से मिले हैं। इट मीन्स कॉपर वाज़ द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो कॉपर इज़ द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड इन द हिस्ट्री। आयरन की डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है, यहाँ से कोई भी चीज़ आयरन की नहीं मिली है। इट शोज दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था। मोहनजोदड़ो के लोग बैलेंस्ड स्केल ऑफ वेट का सिस्टम यूज़ करते थे, जैसे कि आज भी हम लोग करते हैं कि कितने चीज़ों के लिए कितना वेट हमको मेज़र करना है। इनका प्रॉपर वेट बैलेंस था, इनको पता था कि वेट को कैसे मेज़र करना है, कैसे एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाना है वेइंग मेज़र का।
ये सारी चीज़ें इन लोगों को बहुत अच्छे से पता थी। सो ये शो करता है कि ये लोग काफ़ी स्किल्ड थे, ये सारी चीज़ों को समझते थे। मोहनजोदड़ो को माउंड ऑफ डेड कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं, क्योंकि जब इसका एक्सकवेशन हुआ था तो यहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज मिली थी, जिसके बाद इसका नाम माउंड ऑफ डेड या उसी को मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो इज़ अ गिवन नेम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज मिली थी। इनका अंत कैसे हुआ अभी तक नहीं पता, इसीलिए सिविलाइजेशन का नाम ही है माउंड ऑफ डेड या मोहनजोदड़ो। अगर बात करें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है इंडस वैली की। इसको 1921 में दयाराम सानी ने एक्सकेवेट किया है और ये रावी नदी के किनारे है। ये जो हमारा सिविलाइजेशन है वो रावी नदी किनारे है और पंजाब पाकिस्तान में ही ये सिविलाइजेशन है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। हड़प्पा सिविलाइजेशन इज नियर द रिवर रावी। आप लोग कभी भी इंडस पे टिक मत कर दीजिएगा। रावी जो है, रावी, चेनाब, सतलज, ये सारी जो नदियां हैं, ये सारी की सारी इंडस की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। सो इनके किनारे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। सो हड़प्पा सिविलाइजेशन रावी नदी के किनारे है। जो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं वो है सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन एनाटोमी, ग्रेनीस, बुल्लक कार्ड। सो बुल्लक कार्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक पर्सन है, एक ड्राइवर है इस बुल्लक कार्ट में, और ये इसको खींच रहा है। जो ग्रेनीस है, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे फूड को स्टोर करते हैं। सो इसी तरह की ग्रेनीस हमारे हड़प्पा में मिली है, मोहनजोदड़ो में भी मिली है। सो ये ग्रेनीस जो हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये फूड स्टोरेज के लिए यूज़ होती थी, फूड स्टोरेज। ओके, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग बाटर सिस्टम का यूज़ करते थे, लेकिन मोहनजोदड़ो में वेल इक्विप्ड सिस्टम था। वहाँ के लोग वेट से सारी चीज़ों को लेते थे, उसके बाद में वो लोग उसके बाद जो चीज़ें देते थे वो वही देते थे, लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग बाटर सिस्टम, जितना हमने लिया उतना ही देंगे, हमने कोई वेट नहीं किया, हमने जितना तुमको सामान दिया, मतलब इनका जो स्टैंडर्ड था वो वेट था, कोई भी रुपीस, कोई भी क्वाइन इनका स्टैंडर्ड नहीं था ट्रेड करने का। ये सारी चीज़ों को इक्वल मानते थे, सारी चीज़ों के वेट से दूसरे चीज़ों को लेते थे। सो हड़प्पा सिविलाइजेशन में सारी चीज़ों की कीमत एक बराबर ही थी, ये शो करता है। सो जो काउ, हॉर्स, बुल एंड लायन है, वो हड़प्पंस या इंडस वैली में किसी को भी, हॉर्स का नहीं, हॉर्स तो आपको सुरकोतरा में मिलता है, बट काउ, बुल एंड लायन और भी दूसरे साइड्स में, किसी भी साइड्स में इनके कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। काउ, बुल और लायन इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं पता था, और हॉर्स जो है वो मैक्सिमम साइट्स में नहीं मिला है, सिर्फ सुरकोतरा साइट है वहाँ पे हॉर्स के अवशेष मिलते हैं, हॉर्स के बोन्स मिलते हैं। इट मीन्स सुरकोतरा में लोगों को हॉर्सेस के बारे में पता था। जो हड़प्पा के लोगों को जिन एनिमल्स के बारे में पता था वो थे ऑक्सन, सी, बोफेलो, गोट, पिग, एलिफेंट, गोट, कैट एंड कैमल। ये जो सारी सिविलाइजेशन है हड़प्पा की, ये 1800 BC तक बहुत अच्छे से चलती है, फिर इसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। इसका रीजंस एग्जैक्टली किसी को मालूम नहीं है, बट जो रीजंस माना जाता है वो या तो फ्लड रहा होगा, या कोई एपिडेमिक आई होगी, कोई ऐसी बीमारी होगी जो सारे सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दी, या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन, किसी ने इन पर हमला कर दिया हो और ये पूरी सभ्यता ख़त्म हो गई हो। सो यही सारी वजहों की वजह से 1800 BC में हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है।
अगर बात करें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट की तो वो है चानू डारो। चानू डारो को एनजी मजुमदार ने 1931 में एक्सकेवेट किया था और ये भी इंडस रिवर के ही किनारे है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। और अभी जो हमने दो साइट्स पढ़ी वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में थी, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। और ये जो चानू डारो है ये इंडस रिवर के किनारे सिंध प्रोविंस में है। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, चानू डारो का इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे कोई भी सिटाडल नहीं है। इट मीन्स चानू डारो में कोई भी डिवीज़न नहीं था सोसाइटी का, यहाँ पे सारे लोग एक ही जगह रहते थे, एक ही लेवल पे रहते थे, यहाँ पे अपर और लोअर डिवीज़न नहीं था। इसलिए ये साइट में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है चानू डारो का कि यहाँ पे कोई भी सिटाडल नहीं है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं, यहाँ पे बीड्स मिली हैं, जो माला है ये बहुत सारी चानू डारो से मिली हैं। यहाँ पे चानू डारो जो है ये बहुत ही पास है मोहनजोदड़ो के, लगभग 170 किलोमीटर्स है जो इनका डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा नहीं है। सो, इतना पास होने के बाद भी मोहनजोदड़ो और चानू डारो में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सो, ये शो करता है कि कुछ सिविलाइजेशन इंडस वैली की कुछ अपने रूल्स बनाते थे, कुछ इनके जो सिस्टम थे वो अलग अलग रहे हैं, बल्कि ये सारी जो सिविलाइजेशन वो आसपास थी, बट फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हर एक सिविलाइजेशन में है। इसीलिए सारी सिविलाइजेशन, सारी साइट्स जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर बात करें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट की तो वह है कालीबंगन। इसको घूस ने एक्सेवेट किया था 1953 में, मतलब बहुत लेट में। जो कालीबंगन है ये घग्गर रिवर के किनारे है राजस्थान में। घग्गर रिवर जो है अभी ये डिमिनिश हो चुकी है, अभी नहीं है ये, बट जो घग्गर रिवर है हमारी, इसके किनारे ही कालीबंगन हमारी जो साइट है वो थी। यहाँ के लोगों ने अपने शहर में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया था। मे बी इनके आसपास जो पानी हो रिवर का, ये इसको और बचाना चाहते हों, ये उसको घरों तक नहीं लेके जाते थे और ये ज़्यादा जो है वेल्स पे ये रिलाई करते थे। इन्होंने ग्राउंड वाटर को यूज़ किया था, इन्होंने बहुत सारे कुएं खोदे हैं, क्योंकि ये साइट राजस्थान में भी है और वहाँ पे पानी की जो कमी है वो पहले भी थी, इससे ये पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे रिवर के अनुसार शहर को नहीं बसाया गया। इनको ऐसा लगता था कि ये रिवर कभी भी ख़त्म हो सकती है, इसीलिए इन्होंने उसके हिसाब से अपने शहर को नहीं बसाया था। सभी घरों में यहाँ पे वेल्स हैं, सारे घरों में यहाँ पे लगभग 700 वेल्स को देखा गया है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक वेल आपको दिख रहा होगा, ये एक वेल है। अभी तो ये एग्जैक्टली जो ग्राउंड है वहाँ से एक्सकेवेट किया गया है, उस वक्त इसकी क्या हाइट होगी वो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अभी तो ये ऐसा दिख रहा है। सो, इसी तरह के वेल जो पूरे साइट पे हैं, लगभग 700 वेल्स हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 700 वेल जो हैं आपके कालीबंगन साइट पे हैं। अगर बात करें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइट है वो है लोथल। लोथल को आर राव ने 1953 में ही, जब हमारी कालीबंगन का एक्सकेवेशन हुआ तभी लोथल का भी हुआ था, और ये भोगवा रवि रिवर के किनारे है गुजरात में। ये एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, क्योंकि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पहला पोर्ट है जहाँ से लोग अपने सामान को दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, ये जो साइट है लोथल, यहाँ पे इंडस वैली का पोर्ट मौजूद है जहाँ से लोग ट्रेड करते थे। लोथल में ही राइस के हस्क मिले हैं, राइस का जो चावल है उसके जो भूसे हैं उनके जो साक्ष हैं वो लोथल में मिले हैं, मतलब कि लोथल में लोग राइस का व्यापार
या राइस उगाते थे, राइस का एग्रीकल्चर करते थे, और राइस का जो पहला साक्ष्य मिला है इंडस वैली के किसी भी साइट पे वो लोथल पे ही मिला है। यहाँ का जो पोर्ट है वो फुली मैन मेड है और यहाँ पे डॉकयार्ड है, आप सारी चीज़ें पिक्चर में देख सकते हैं। सो ये जो साइट है इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, एक पोर्ट सिटी है, ये गुजरात में है और इसको राइस हस्क की सबसे पहली साइट के तौर पे भी देखा जाता है जहाँ से राइस के हमारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारी इम्पोर्टेंट साइट है वो है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा के बारे में हमने बताया था कि यहाँ से हॉर्सेस के जो हमारे रियूंस है, जो उनके अवशेष हैं हॉर्स होने के, जैसे अभी लोथल में हमने पढ़ा कि राइस के साक्ष्य लोथल से मिले हैं, इसी तरह सुरकोतड़ा के साइट से हमें हॉर्सेस के अवशेष मिले हैं। ये शो करता है कि अलग अलग जो साइट्स हैं उसमें कुछ अलग अलग चीज़ों का यूज़ होता था, और दूसरे साइट्स में अगर उनके अवशेष नहीं मिले हैं इट मीन्स ये सिविलाइजेशन जो है वो एक दूसरे में धीरे धीरे डिफरेंसेस पैदा हो गए और समय के साथ इन्होंने अपने अपने सिविलाइजेशन या अपने अपने साइट्स को और डेवलप किया है अपने अपने तरीके से। सो ये आपको समझ के चलना है कि सारी साइट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। ये एक ही सभ्यता होने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी हैं, जैसे कि सारे साइट्स में हमें जो ब्रिक्स का मेज़र है, जो ब्रिक्स हैं जितनी भी साइट्स हैं, जो भी ईंटें यूज़ हुई हैं घर बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, सबका मेज़र एक है। सो ये यूनिफॉर्मिटी शो करती है कि ब्रिक्स का अगर यूज़ एक ही तरीके से हो रहा है तो इनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती थी, और इसीलिए ये सारी साइट्स को इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर एक साथ रखा गया है, क्योंकि सारी साइट्स एक साथ ही जन्म इनका हुआ था, इनका प्रोग्रेस भी एक ही साथ हो रहा था, बट थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हर एक साइट पे हैं। सो सुरकोतड़ा को जेपी जोशी ने एक्सेवेट किया था 1964 में, और ये भी हमारे गुजरात में ही है, जैसे कि लोथल भी हमारा गुजरात में है, और यहाँ से हॉर्सेस के बोन्स मिले हैं और यहाँ से भी मालाएं मिली हैं। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट साइट है वो है धोलावीरा। इसको आरएस बिस्त ने 1885 में एक्सकेवेट किया था और ये भी हमारे गुजरात में है। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वाटर हार्वेस्टिंग में भी बहुत आगे थे। आज भी हमारे इंडिया में वाटर हार्वेस्टिंग की समस्या है, लोग पानी का स्टोरेज नहीं करते हैं, आज भी हमारी सिटीज इस चीज़ में बहुत पीछे हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग आज से बहुत साल पहले भी पानी को लेकर इतने ज़्यादा सेंसिबल थे, इतने ज़्यादा वो लोग समझदार थे कि वो पानी को बहुत ही वैल्यू देते थे। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा पॉन्ड टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें पानी को लोग स्टोर करते थे, और इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो हर एक साइट में, चाहे वो, क्योंकि एग्रीकल्चर वाज द मेन ट्रेड, एग्रीकल्चर जो इनका मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर ही था सारे साइट्स का, इसीलिए पानी की आवश्यकता भी इनको ज़्यादा ही पड़ती थी, ये आप उसी के हिसाब से पानी की बचत भी करते थे। सो ये पॉइंट हम लोग को इंडस वैली के साइड से सीखने ही चाहिए। सो धोलावीरा के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग के जो पॉन्ड है, जो स्ट्रक्चर है, वो धोलावीरा से मिला है, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखिए कि वाटर हार्वेस्टिंग का जो अवशेष है वो धोलावीरा से मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।